अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविच, वो भी बिना ओवन के। जैसा कि आप सब लोगों ने मेरी पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि इसे हम बिना ओवन बना सकते हैं, तो आज हम बनाएंगे बिना ओवन के पिज़्ज़ा सैंडविच। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच, वो भी बिना ओवन के। तो ये सारे मेरे व्यूवर्स थे जिनके नाम मैंने आज अपनी वीडियो में ऐड किए हैं, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि ये बिना ओवन के बन सकता है। तो ये रेसिपी आज मैं आप सब लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा डो के लिए हम 4 कप मैदा लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप खुश्क दूध का पाउडर, 1 टेबल स्पून बारीक चीनी या पिसी हुई ले लें, 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, ये वाला इंस्टेंट ईस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश वाला यूज़ करें। अगर थोड़ा सा पुराना हो, यानी कि 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आप 3 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल डालेंगे, 3 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 2 कप। तकरीबन 2 कप हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और नीम गर्म पानी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। ये टिप मैं आपको बार बार दे चुकी हूँ, आपने इसमें गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि इससे ईस्ट ओवर एक्टिव हो जाता है और जो हमारा पिज़्ज़ा होता है तो वो फिर उसमें कड़वापन आ जाता है। अब हम इसे 10-30 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक सरफेस पर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा डो को रखकर इस तरह करके नीट करेंगे। 3-4 मिनट के लिए हमने इसे हल्का हल्का सा इस तरह करके नीट करते जाना है, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हो जाए। तो ये देखें, इस तरह ज़बरदस्त सा डो हमारा तैयार है। हम इसे प्रेस करेंगे और ये डो हमारा ऊपर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डो तैयार है। तो अब हम एक बॉल में ऑयल लगाएंगे और इस डो को हम बॉल में रखेंगे और अब हम इसे राइस करेंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए। इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगा लेना है, इससे ये होगा कि ये ड्राई नहीं होगा। और इसे हम ढककर तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे। सर्दियों में 3 घंटे, गर्मियों में 2 घंटों में भी हो जाता है। तो ये पिज़्ज़ा डो हमारा रेडी है। अब आप इसे फॉइल में कवर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें। फिलिंग के लिए हम ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ ही हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद आप हरी मिर्चें ले लें। नमक आप हसबे जायका ऐड कर लें, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बीच में मैं ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट, ही ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ऐड कर दें। 1 कप हम चिकन की यखनी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 kg चिकन, जो कि फुल होल चिकन था, उसके मैंने उबाल कर उसके रेशे मैंने कर लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया था। और जब इसमें यखनी खुश्क हो जाए इसमें, तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। और जब दूध हमारा इस तरह गाढ़ा होने लगे, यानी कि दूध हमारा जज़ब होने लगे इसमें, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के खुश्क मैदा ऐड करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें और ओरिगानो छिड़केंगे और ये मिक्सर हमारा तैयार है। डिटेल रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, मैं वहाँ पर आपको इसकी डिटेल रेसिपी दे दूँगी। एक ट्रे लेंगे या फिर कोई सी भी मेटल की आप प्लेट ले लें, एल्यूमिनियम की प्लेट ले लें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और जो खुश्क मैदा है वो आप इसके ऊपर डस्ट कर दें। जो पिज़्ज़ा डो है ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज से ही मैंने उठाकर अब मैं इसकी रोटी बेल रही हूँ। रोटी पतली होनी चाहिए, जिस तरह हम चपाती बेलते हैं, तो इस तरह की रोटी हम बेल लेंगे। पिज़्ज़ा की तरह मोटी रोटी हमने बेलनी नहीं है, बस पतली सी रोटी, ताकि जो हमारे ब्रेड्स हैं उन उसके ऊपर हमने लगाना है, ताकि अंदर से भी ब्रेड कुक हो जाए और बाहर से भी इसका जो ये डो है वो कच्चा ना रहे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे फेंटा हुआ अंडा, 1 ब्रेड को रखेंगे, ब्रेड स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि ऊपर से फोल्ड करने में आसानी हो। अच्छी तरह से हम इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे ताकि ये स्टिक हो जाए।
अब हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, या फिर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उसका भी टेस्ट आता है। इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन की फिलिंग। चिकन की फिलिंग अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन की फिलिंग। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखेंगे। ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम फिर से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगा लें या फिर चिली गार्लिक सॉस लगा लें। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे मेयोनीज़। मेयोनीज आप नीचे वाली जो लेयर है उसमें भी लगा सकते हैं, और ये जो सेकंड लेयर है इसमें भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जो लास्ट वाला ब्रेड है उसके ऊपर भी हम इस तरह करके मेयोनीज लगा लेंगे, और इस लेयर के ऊपर भी हम चिकन की फिलिंग रखेंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ जो है वो ऑलरेडी श्रेडेड है, और ये मैं फोरसाना ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम ये लास्ट वाला स्लाइस रखेंगे, ऊपर से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह चारों तरफ से हम इसे बंद कर देंगे। जहाँ से आपको स्टिक करने में प्रॉब्लम हो वहाँ आप अंडा लगा दें और फिर इसे आप स्टिक करें तो इजीली हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है वो आप कट कर दें, क्योंकि जो इसके ऊपर अगर आप मोटी लेयर लगाएंगे तो वो फिर कुक नहीं होगा। एक्स्ट्रा हमने हटा देना है, लेयर हमने थिन ही रखनी है, और चारों तरफ से इस तरह करके हमने इसे बंद कर देना है। अब हम इसे उठाकर ट्रे में रखेंगे। ट्रे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप किसी मेटल की प्लेट में भी रख सकते हैं। सिंपली आप उसके ऊपर ऑयल लगा लें, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करें और इसमें आप ये ब्रेड रख लें। इसके ऊपर अब हम फेंटा हुआ अंडा लगाएंगे चारों तरफ से, ऊपर की तरफ से, और इस तरह साइड्स पर भी हम लगा लेंगे फेंटा हुआ अंडा। इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये थोड़ी सी कटी हुई सब्जियां हैं, जिसमें है ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स में ले रही हूँ, शिमला मिर्च और टमाटर। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे और इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तब हम इसके ऊपर ये अरेंज कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर मशरूम्स भी डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च, टमाटर और ऑलिव्स हम इसके ऊपर अरेंज करके रख लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑरिगानो। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम बाकी के जो टमाटर और ऑलिव्स हैं वो भी अरेंज कर देंगे। जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ऑरिगानो हैं वो अपनी सब्जियों से पहले डालने हैं। मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने शिमला मिर्च लगाने के बाद इसके ऊपर डाले हैं, लेकिन आप सब्जियों के डालने से पहले आप इसके ऊपर शिमला मिर्च और जो ऑरिगानो है वो आप इसके ऊपर डाल दें। तो ये मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं, सारी जो सब्जियां हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। तो ये अब बेकिंग के लिए तैयार है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर से प्रेस करेंगे, इस तरह करके हमने इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। वैसे भी जब चीज़ मेल्ट होगी तो ये इसके ऊपर स्टिक ही हो जाएंगे। तो ये तैयार है। अब हम एक बड़ा सा पतीला गरम करेंगे। बड़ा सा पतीला लेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे, कोई सा भी आप नमक ले लें। ये नमक मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो यही मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। कोई सा भी सस्ता वाला नमक आप ले लें, खाने वाला नमक ले लें, तो एक ही बार में आप नमक ले लें और इसे आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे हम तवे में नमक बिछाएंगे। इसके ऊपर मेरा जो स्टैंड है वो छोटा है, यानी कि उसका जो लेवल है वो फिर साल्ट से बहुत ही करीब आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए इसके नीचे मैंने इस तरह एक बर्तन रखा फ्लैट सा, और इसके ऊपर मैंने जाली रखी। बहुत ज़्यादा ऊंचा भी आपने नहीं रखना और बहुत ज़्यादा डीप भी आपने नहीं रखना।
इसके ऊपर अब हम एक ढक्कन रख देंगे और ये फ्लेम आप देख सकते हैं, इस फ्लेम पर हमने इसे 25 से 30 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त था, ये प्री हीट हो चुका है अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं उठ रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना ट्रे रखेंगे और इसे अब हम ढककर कुक करेंगे। बेक करने के लिए हमने इसे रख दिया है, ढक्कन अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है जो लिड है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लेम है, मैं इस स्टेज पर इतना फ्लेम रख रही हूँ, ये बहुत लो है। थोड़ा सा ज़्यादा हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और 20 से 30 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। मेरे तकरीबन हो चुके हैं 22 मिनट और मैं अब इसे चेक करने जा रही हूँ। ऊपर से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब हम नीचे से इसे चेक करेंगे। तो नीचे से भी ये हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, मेरे तकरीबन 22 मिनट लगे हैं, एग्जैक्ट 22 मिनट। तो आप भी 20 मिनट बाद 22 मिनट बाद देख लें, अगर हो चुका हो तो आप इसे डिश आउट कर लें, नहीं तो आप इसे मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। तो ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। एक मज़ीद टिप जो मैं आपको दूँगी इसे मज़ीद सॉफ्ट रखने के लिए, वो ये है कि आप इसके ऊपर ब्रश की मदद से बटर लगा लें, बटर नहीं है तो ऑयल लगा लें, और इसके ऊपर फॉइल लपेट लें, फॉइल से इसे ढक कर रख लें, या फिर आप इसे कोई भी इस तरह कपड़ा ले लें और इसे हल्का सा वेट कर लें, ये बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, तो उससे हम ढक कर इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार है। ये आप देख सकते हैं अंदर से भी चीज़ इसकी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और नीचे से भी ये कुक है, ऊपर से भी ये कुक है। तो ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच बिना ओवन के तैयार है। टेस्ट में भी और लुक में भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको ओवन के साथ इसे बनाना सिखाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग फरमाइश करते हैं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी, आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल व्लॉग्स विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे भी जाकर विजिट कर लें और फिर उसके बाद उसे सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आए तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।